हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास ये साइरोटेक का सिंगल बैंड 1110 WD ONT है। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ONT के वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करना है, वाईफाई को नेम कैसे सेट करना है, साथ ही साथ आपके वाईफाई को कैसे हाइड कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसे बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज मैं हूँ आपका दोस्त संदीप और आप देख रहे हो टेक गुरु संदीप यूट्यूब चैनल। तो गाइज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जल्द से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाने को। तो गाइज चलो करते हुए वीडियो को शुरू। जैसे कि गाइज यहाँ पे साइरोटेक के सिंगल बैंड ONT 1110 का वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके डेस्कटॉप लैपटॉप या मोबाइल के पे किसी भी वेब ब्राउज़र को गाइज यहाँ पे ओपन कर लेना है। गाइज यहाँ पे वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा, जो कि साइरोटेक के सिंगल बैंड राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस गाइज यहाँ पे 192.168.1.1 है। तो गाइज आईपी एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का साइरोटेक का लॉगिन इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको आपके राउटर का यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करना है, जो कि साइरोटेक का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम गाइज यहाँ पे एडमिन है, और आपके राउटर का पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, जो कि आपको आपके राउटर के बैक साइड में आपके राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा गाइज। जैसे कि गाइज उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको एंटर कर देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही गाइज लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें गाइज आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन, सबसे पहले यहाँ पे आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। तो गाइज वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाना है। नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको इंटरनेट बाइंडिंग लैन आईपी एड्रेस WLAN रिमोट एक्सेट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज करने के लिए गाइज आपने यहाँ पे WLAN का ऑप्शन है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप WLAN वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे गाइज यहाँ पे आपको आपके वाईफाई की डिटेल शो होगी। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपके वाईफाई का डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है, तो सिंपली आपको इसे क्या कर देना है, आपकी चॉइस से आपके वाईफाई का नेम यहाँ पे सेट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे वाईफाई का नेम आर्यन सेट किया है, तो गाइज आप कुछ इस तरह से आपके वाईफाई का नेम यहाँ पे सेट कर सकते हो। सिंपली वाईफाई का नेम सेट करने के बाद गाइज ये जो बाकी ऑप्शन है इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, अप्लाई चेंजेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज कुछ इस तरह से आपके वाईफाई का नेम यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो गाइज वाईफाई का नेम सेट करने के बाद वाईफाई का पासवर्ड सेट करना है, तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन शो होंगे, उसमें से थर्ड नंबर पे जो WLAN सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, तो गाइज सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइज इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अभी जो वाईफाई का नेम यहाँ पे सेट किया है वो आपको शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए गाइज क्या करना है, लास्ट में प्रीशेड की का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट वाईफाई पासवर्ड यहाँ पे सेट है, सबसे पहले उसे डिलीट कर देना है गाइज। उसको डिलीट करने के बाद गाइज आपके चॉइस से आप यहाँ पे आपके वाईफाई का पासवर्ड एंटर कर देना है। वाईफाई का पासवर्ड एंटर करने के बाद गाइज सिंपली आपको अप्लाई चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके वाईफाई को पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो गाइज कुछ इस तरह से आप सिंगल बैंड राउटर साइरोटेक का जो है उसमें वाईफाई का नेम चेंज कर सकते हो और वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो गाइज अगर आप चाहते हो आपका वाईफाई और सिक्योर हो और आपके वाईफाई का नेम किसी थर्ड पर्सन को या किसी बाजू वाले को शो ना हो, जिससे कि वो वाईफाई पे कनेक्ट ना हो, तो आप इसे आपके वाईफाई का नेम हाइड कर सकते हो गाइज, जिससे कि आपके वाईफाई किसी को शो नहीं होगा। तो आपके वाईफाई का नेम हाइड करने के लिए गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ गाइज यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वैन बेसिक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वैन बेसिक ऑप्शन पे गाइज आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे डिसेबल ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट अनटिक है गाइज,
उस पे आपको टिक कर देना है। इस पे टिक करने के बाद गाइज सिंपली अप्लाई चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइज कुछ इस तरह से आप आपके वाईफाई के ब्रॉडकास्ट डिसेबल करके आपके वाईफाई का नेम यहाँ पे हाइड कर सकते हो। तो गाइज इससे क्या होगा कि आपके वाईफाई की सिक्योरिटी और भी स्ट्रांग हो जाएगी और किसी थर्ड पर्सन को आपका वाईफाई नहीं शो नहीं होगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो इसलिए आगे बेल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है गाइज। और गाइज साइरोटेक के डुअल बैंड राउटर को और सिंगल बैंड राउटर को ट्रिपल पीओई कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं। ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।